भारत में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि उसे भारतीय इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालय में किए गए सर्वेक्षण अभियान की जानकारी है, लेकिन ये किसी तरह का जजमेंट देने की स्थिति में नहीं है। जबकि भारतीय इनकम टैक्स अधिकारियों ने कहा है कि उसका ऑपरेशन इनकम टैक्स चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम भारतीय टैक्स अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी के बारे में जानते हैं और इस सर्च अभियान की डिटेल जानकारी के लिए आपको भारतीय अधिकारियों के पास जाना होगा। नेट प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा कि हम दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व का समर्थन करते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को मानव अधिकारों के रूप में सामने रखना जारी रखते हैं, जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देती है। इसने इस देश में इस लोकतंत्र को मजबूत किया है, इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये सार्वभौमिक अधिकार दुनिया भर में लोकतंत्र की नींव है। आइए सुनते हैं कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने और क्या कुछ कहा। Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in the universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's democracy. These universal rights are the bedrock of democracies around the world. Aware that we are aware of the fact of these searches. दिल्ली और मुंबई में अधिकारियों ने कहा कि बीबीसी की सहायक कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय कराधान यानी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश प्रसारक को पहले ही भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसने उनका अनुपालन नहीं किया और अपने मुनाफे को काफी हद तक डाइवर्ट कर दिया। हालांकि कार्रवाई से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ब्रिटेन सरकार के सूत्रों ने कहा कि वो भारत में बीबीसी के दफ्तरों में किए गए सर्वे की रिपोर्टों की करीब से निगरानी कर रहे हैं। आयकर विभाग की ओर से ये कार्रवाई ऐसे समय में की जा रही है जब कुछ हफ्ते पहले बीबीसी ने दो भागों वाली एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन जारी की थी। इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र किया गया है।